अंगदान और देहदान के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आज रेड क्रॉस द्वारा रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आमजन को अंगदान, देहदान, नेत्रदान और रक्तदान के लिए जागरूक किया गया। इस रैली को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे और CMHO ज्योत्सना रंगा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली मेडिकल कॉलेज, लक्ष्मी पार्क, कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुरानी लोक सेवा आयोग, जिला परिषद के सामने से होते हुए सूचना केंद्र पहुंची। इसके पश्चात रेड क्रॉस भवन पर रैली का समापन किया गया। आज रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से अंगदान की जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली गई है। अंगदान हमारे सनातन संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। महर्षि दधीचि जी का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने अपने अंगदान से ही वज्र का निर्माण किया था। तो उसी तरह से ये भले ही हमको एक कथा मिथक लगे, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे अभी डॉक्टर खरे ने आपको बताया कि जीते जी रक्त का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि रक्त ऐसा है जो आज तक हम अपनी फैक्ट्रीज में या साइंटिफिक लैब्स में नहीं बना पाए, और ये एक जीता जागता अंगदान है जो बहुत ही महत्व रख रहा है। बहुत सारी जान हम बचा सकते हैं। उसी तरह से मरणोपरांत हम अपने अंगों का दान करके, देह का दान करके आगे पढ़ने वाले छात्रों की मदद कर सकते हैं, अंगों का दान करके बहुत सारे लोगों को हम जीवन दे सकते हैं। तो इस रैली में यही जागरूकता फैलाने के लिए हमने आज कार्य किया है। उम्मीद है कि लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अजमेर शाखा ने एक बहुत नेक कार्य किया है। आज अंगदान, रक्तदान, देहदान, ये तीन दान जो सबसे उत्तम दान है, इसको जनता को प्रमोट करने के लिए एक रैली निकाली है। जो आज ये रैली यहाँ से JLN हॉस्पिटल से लेकर के अपने कलेक्ट्रेट से जाएगी और वहाँ से घूम के वापस आएगी। इसका झंडी, हरी झंडी दिखाने का मेरे को डॉक्टर ज्योत्सना को ये सौभाग्य मिला कि हम इसको, इस रैली को आयोजित कर पाएँ। और इसके बाद में लोगों को ये जो भ्रांति है कि ब्लड देने से शरीर का खून कम हो जाता है, ऐसा गलत है। जीते जी आदमी को रक्तदान के बारे में सोचना चाहिए, और जब उनको पहले से प्लेस सर्टिफिकेट बना के रखना चाहिए जिससे कि वो देहदान कर पाए। देहदान जब उनकी जरूरत, जब उनका ब्रेन डेथ हो जाए तब वो अपना देहदान कर पाए। इसके अंदर से ये इसकी मानसिकता बनानी चाहिए, क्योंकि एक आदमी का जो अंग है वो कम मरने के बाद में कम से कम 8 व्यक्तियों में काम आ सकता है। और भारत में जो अंगदान है, इसके बारे में अभी लोगों को संकोच है, थोड़ा घबराते हैं कि बॉडी डिस्फिगर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा महीना जो हमारा जुलाई का चल रहा है, ये अंगदान को प्रेरित करने वाला चल रहा है। उस संदर्भ में हमने कई कार्यक्रम भी किए हैं, कई स्कूलों में कार्यक्रम किए हैं और आगे भी हम करने जा रहे हैं। उसी की कड़ी में एक ही प्रोग्राम। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.